मैं हूं अमित सिंह आर्या और आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। दोस्तों मैंने ये महसूस किया है, मैंने YouTube पे भी डाला था कि पिछले 1 वीक में आफ्टर होली बहुत सारे बच्चों का, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी और मेरे फैमिली में भी बहुत लोगों का अलग अलग तरीके से हेल्थ खराब हो रहा है। लाइक जैसे उनका या तो फीवर, हेडेक, इन सब टाइप के बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इस वजह से मैं भी अनअवेलेबल था, थोड़ा कम अवेलेबल था और वापस से आप सबके सामने अवेलेबल हूं। तो एक यही एडवाइजरी है कि एग्जाम के इस टाइम में आपको अप टू डेट रहना है मौसम के अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी दिन तूफान चलने लग रहा है, किसी दिन बारिश, किसी दिन बर्फ पड़ने लग रही है, और अभी का जो मौसम है ये खाने पीने के मामले में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो भी हानि करता है। बहरहाल आज बात करते हैं भारत सरकार का ये जो UGC का वेबसाइट है, CUET PG, पीजी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है और इसको समझना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट्स को, क्योंकि इससे कंफ्यूजन स्टैब्लिश हो गया है और बहुत सारे बच्चे मतलब परेशान भी हो गए हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिससे कि वो परेशान हो पाए, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और समझते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पे पब्लिक नोटिस में तो 29 मार्च को एक नोटिस आया है। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं थोड़ा बीमार था इस वजह से ये वीडियो नहीं टाइम पे ले पाया। और इस नोटिस में क्या क्या दिया गया इसको जरा समझते हैं, ठीक है। कंडक्ट ऑफ CUET PG 2024, इसके बारे में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन मैंडेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड UGC। इसका मैंने पहले ही मतलब बताया था कि NTA को मैंडेट दिया गया। देखो मैंडेट का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि अब नए तरीके से उसको नया पावर दिया गया, ऐसा नहीं है। किसी को एक काम सौंपना ऑफिशियली उसको मैंडेट कहते हैं, ऑफिशियली लैंग्वेज में, एजुकेशन में अगर आप देखोगे इसको यूज होता है। CUET PG का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंडेट दिया गया है। अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस कॉलेज भी 2022 से इसमें शामिल है और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। ऐसा नहीं सोचना है कि अपने से खुद से कुछ जुड़ जाएगा, कोई हट जाएगा। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहने का यहाँ कंप्लीट मतलब ये है कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, जो जो इच्छुक है मतलब जो विलफुल है, जो चाहते हैं वही होंगे। तो अलाहाबाद, लखनऊ, ठीक है मैं फिर से नाम लिख देता हूं, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ पीजी प्रोग्राम, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनका पीजी प्रोग्राम इसमें शामिल नहीं था, इसमें लॉ भी आता है। तो जो बच्चे ये दोनों का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें, चूंकि लगभग 1 वीक से मैं अनअवेलेबल था, ऑफर हमने 1 वीक तक बढ़ा दिया है। आपका फॉर्म आएगा, जून जुलाई तक एग्जाम होगा, इसके लिए रेडी रहिएगा। बात समझ में आ रहा है आपका? तो आपके पास 2-3 महीने टाइम है, इसका यूज कर लो। एकदम 0-2 हाई लेवल, 0-2 एग्जाम लेवल हम सारी तैयारी आपकी करवाने वाले हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। कोई ऐसी बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, 5,000-6,000 आपकी, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, आई थिंक अंडर 1500 है। ये सब आप देखोगे, पटना लॉ कॉलेज का भी अलग से हमने बैच स्टार्ट कर दिया है और ये सब आपको मिल जाएगा बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। तो जिनका छूट गया या जिनका अच्छा एग्जाम नहीं गया उनके लिए बैकअप उपाय बता रहे हैं, क्योंकि 1 साल बैठोगे ना घर वाले बहुत ताना मारेंगे कि शादी करा देते हैं तुम्हारी, तुम नौकरी पे जाओ, ये करो वो करो। उससे अच्छा है पढ़े लिखे आदमी हो, एक पढ़ा लिखा काम करो, लॉ की तैयारी करो, लॉ में अच्छे खासे स्कोप है अगर आप में कैपेबिलिटी है तो। अब बात करते हैं, CUET PG वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022। CUET PG प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। अब ये CUET PG का मतलब था कि एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है सारे स्टेट, सेंट्रल, ऑटोनोमस, सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन का, ठीक है। NTA ने एग्जाम कंडक्ट किया था, ये भी डेट दिया गया 11-12-13 से लेकर के 28 मार्च तक। बात समझ में आ गया। CVT मोड इन 572 डिफरेंट सेंटर लोकेशन। अब इसमें 262 सिटी भी था और कुछ आउटसाइड इंडिया यानी मनामा, दुबई, काठमांडू, ये सब जगहों पे था। आगे बढ़ते हैं इसी में, फॉर एकेडमिक सेशन 24-25 CUET 2024 PG वाज कंडक्टेड अबाउट 4,62,063 603, सॉरी, यूनिक रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड एडमिनिस्टर्ड 7 लाख। देखो सीधा समझो, यूनिक रजिस्ट्रेशन 4,62,603 हुआ है और 7,62,714 टेस्ट हुआ है। इन बच्चों के अलग अलग टेस्ट है, मतलब कुछ कोई बच्चा 2 टेस्ट भरता ही है, ठीक है। 190 यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पीजी में बच्चे हमेशा कम भरते हैं, पीजी हर कोई नहीं करता है, यूजी हर कोई करता है। यूजी मतलब ग्रेजुएशन, यूजी पीजी का डिफरेंस नहीं पता होगा तो आपको हमारी अलग अलग वीडियोस में पता चल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें 38 थी,
स्टेट यूनिवर्सिटी 38 दिया। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब नहीं है, आपको अपना लिस्ट देखना पड़ेगा। और वो कहां से देखेंगे आप? ऑफिशियली वेबसाइट पे लिस्ट दिया हुआ है, मैंने दिखाया हुआ है पहले, सो आपको लोड नहीं लेना है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस 9 है, अदर प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 105 है। सीयूईटी पीजी प्रोवाइड एक्सेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉलोइंग वे। तो इसमें क्या होगा कि पेपर कोड 157 यूज हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर वाज 240 इन डिफरेंट मीडियम्स, मीडियम अलग अलग था। ये डेटा आपके बहुत काम का है, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म भरे होंगे, तो ये भी बात नहीं है। और इसमें आपको दिखा दें हम कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वाज 18,000 एंड दीज वेयर यूज्ड ओवर 15 डेज एंड 44 शिफ्ट्स। 15 दिन में रोज 3 शिफ्ट हुए हैं, तो 44 शिफ्ट में एग्जाम पेपर खत्म हो गया है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ना? यस। CUET PG 2024 वाज कंडक्टेड इन बाइलिंगुअल ह्यूमैनिटी साइंस कॉमन पेपर। कॉमन पेपर में 76 थे, याद रखना। कॉमन पेपर का कोड क्या था आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि सभी बच्चों ने वो एग्जाम दिया है, लगभग सभी बच्चों ने। लैंग्वेज पेपर्स वेयर कंडक्टेड इन कंसर्न लैंग्वेज एमटेक सब्जेक्ट इन इंग्लिश ओनली, ये सब दिया गया। अब अगर मान लो कोई बच्चा को ग्रीवेंस था, जैसे कि मैंने बताया था कि उनके एडमिट कार्ड पे डेट या टाइम या समय या जगह नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या कंप्लेन करना है, ये भी उन्होंने ध्यान दिया था। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर अबाउट 950 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, 200 ट्रांसलेटर्स को इन्वॉल्व किया गया था। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मतलब मान के चलो प्रोफेसर, ठीक है, उनको इन्वॉल्व किया गया था। अलग अलग जगह के रहते हैं, आप पता नहीं लगा पाओगे। द रोल ऑफ एनटीए टू कन्फाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कंडक्ट ऑफ द टेस्ट, होस्ट ऑफ द आंसर की। अब एनटीए आपका और क्या क्या करेगी, ये यहीं पे पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने कॉलेज में दौड़ना है, ये करेगी आपका टेस्ट तो कर ही लिया, आंसर की जारी करेगी, फिर चैलेंज आपसे मांगेगी कि आपका क्या क्या चैलेंज है वो करो। फाइनलाइज करेगी प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट, होस्टिंग ए स्कोर कार्ड, अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयरिंग। अब उसके बाद आखिरी में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। समझ में आया बात? ये यहां तक काम इनका है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल काउंसलिंग। अब जब वो आपका रैंक कार्ड डाउनलोड आप कर लोगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है कि भैया हमारे हिसाब से हमारा रैंक ये है, वो सब हम बताएंगे आपको कि आपको कैसे करना है और कहां अप्लाई करोगे, कितने रैंक में, ये हम रेगुलर आपसे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? So, यहां से उसका काम हो जाएगा खत्म। जैसे ही रैंक कार्ड वो दे देंगे आपको, उनका काम हो जाएगा खत्म। आप सबसे एक हेवी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जो आप लोग नहीं दबाते हो एक तो दबाना, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन करो, तभी जाकर के डेली जो वीडियोज आपके काम की आती है वो आएगी, ठीक है। हमने टाइम फिक्स किया था 3 PM पे, तो ये वीडियो के बाद फिर 3 PM पे भी आपके लिए कुछ आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हर क्लास का या हर बच्चे का टाइम जैसे पहले था वैसे ही आ जाएगा। हेल्थ इशू की वजह से होती है दिक्कतें, कोई बात नहीं, बट बाउंस बैक आदमी कर ही लेगा, ठीक है। आपके साथ भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप संभल जाओ, और रेस्ट बहुत हुआ, आपको करना है काम। सो सीयूईटी पीजी का यही काम है, फिर यूनिवर्सिटी अपना अपना देखेंगे। अब यहां समझ लो, एक नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट में इतने हैं, टेस्ट एडमिनिस्टर हुआ, मेल कैंडिडेट 353,000 थी, लड़कियां काफी आप देखोगे तो ये यहाँ पे 415,000 है, ठीक है, बात समझ में आ गया। थर्ड जेंडर कैंडिडेट भी है 20, जनरल कैंडिडेट इतने हैं, एससी एसटी ओबीसी सबका नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो आपको अगर डेटा वाइज चाहिए होगा तो आप यहाँ पे ये रिकॉर्ड देख सकते हो किसके कितने कैंडिडेट हैं और कितने लोग फॉर्म क्या भरे थे, नंबर ऑफ सिटी और ये सब दिया था। द एग्जामिनेशन वाज मॉनिटर्ड इन फॉलोइंग वे, द सेंट्रल रूम ये सब दिया हुआ है कि जिसमें स्मूथ कंडक्ट एग्जामिनेशन था, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, रीजनल कोऑर्डिनेटर थे, ऑब्जर्वर्स थे जो जाकर के ऑब्जर्व करते थे, 150 डिप्यूटी ऑब्जर्वर थे, सीसीटीवी सर्विलांस होता था, ठीक है, मैल प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये सब व्यवस्थाएं की गई थी, और लेटेस्ट 5G जैमर्स यूज किए गए थे। इनका एक बहुत अच्छा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स वर्चुअल ऑब्जर्वर्स, ये सब किया गया था चोरी को रोकने के लिए। अब देखना यही है कि चोरी क्या रुक पाया या नहीं रुक पाया। एक चीज और है, यहाँ पे कितने बच्चे जैसे लॉ में जनरल एलएलबी में इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, अब इसको समझो आप, रजिस्टर्ड 66,000 बच्चों ने किया और 48,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो एलएलबी मैं पहले से भी कहता रहा हूँ एक बहुत डिमांडिंग कोर्स है, फिर एमबीए में अच्छे खासे बच्चे ने फॉर्म भरा है,
बीएड में भी अच्छा खासा डिमांड है, आप देख सकते हो, बाकी बच्चों में बहुत सारा कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मुझे देखना है सोशल वर्क का, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, 84-20 ने। और एग्जाम देखो, मैंने कहा था ना बहुत कम बच्चों ने ही एग्जाम दिया है, तो वही है 84-100 भरा, 1-2 हजार छोड़ते हैं तो अलग बात है, यहाँ लगभग 3 हजार का गैप है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग कोर्सेज है, साइकोलॉजी बहुत डिमांडिंग है, तो इसमें अच्छे खासे बच्चों ने फॉर्म भरा है और एग्जाम भी दिया है। इंग्लिश में अगर देखें तो इतने सारे बच्चे हैं, तो कुल मिला के ये सब जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उसका मैंने लिस्ट बना दिया। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि उसको हम लोग टैग कर पाए। और साइंस वाली मैम याद रखना, आप साइंस वाली मैम साइंस का बनाएंगी। कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ, 16 शिफ्ट। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से काफी अच्छा किया गया है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया। उसके बाद आपको और भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे NTA took various steps to ensure candidate facilitate every stage of the examination. First time it is followed initiative taken by NTA with smooth functioning, like date of CUET PG, subject wise schedule were already announced. Each subject were conducted in single shift, which resulted in एक ही शिफ्ट में कर लिया गया। टेस्ट सेंटर जो अलॉट किए गए हैं वो उनके नियरेस्ट सेंटर को अलॉट किया गया। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया गया ताकि फेक लोग और फेक सेंटर्स को ना दिखाया जाए। बायो ब्रेक्स भी लगाए गए थे, है ना, ये सब चीजें की गई थी। पीडब्ल्यू कैंडिडेट, डायबिटी कैंडिडेट के लिए भी सब कुछ किया गया था। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था इस बार, इनका कहने का मतलब है, मतलब ये अपना कर रहे हैं कि भैया हमने सब कुछ अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, मुझे मेडल दे दो, इस तरीके की बात है। इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम ट्रांसपेरेंट, कैंडिडेट्स विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सी देयर रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन पेपर, चैलेंज द आंसर की। चैलेंजेस रिसीव्ड ऑनलाइन विल बी प्लेस्ड बिफोर द कंसर्न सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर वेरिफिकेशन। The result will be prepared on the based on the final answer की। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पहले आएगा आपका temporary जो आंसर किया था, उसके बाद उसको आप challenge करोगे, आपके आंसर बढ़ेंगे, आंसर के नंबर बढ़ेंगे, उसके बाद आप final answer किया आएगा और वही declare किया जाएगा इसी वेबसाइट पे। बात समझ में आया? तो सब कुछ बहुत अच्छे से किया गया है अपना, ये लोग पीठ ऐसे ऐसे थपथपा रहे हैं, समझ रहे हो ना, जैसे मैं कर रहा हूं। तो ये चीज आपको समझना है, करना आपको यही है कि आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे। सो थैंक यू सो मच। कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हम लगातार पहुंचाते रहेंगे आप तक, आपको बने रहना है। और ये जो साइड में 4 वीडियो आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, क्योंकि ये सब आपके काम के हैं। अभी आपका एग्जाम खत्म हो गया, आपको एनालिटिकल व्यू में, रैशनल व्यू में बैठ के सोचना है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो देखिए और समझिए। थैंक यू सो मच।